डेट है आज 30 मई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है महाकालेश्वर टेम्पल। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि जहाँ ये टेम्पल लोकेटेड है, मध्य प्रदेश के उज्जैन ये प्लेस है, वहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे बहुत तेज हवाएं आई जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया, कुछ इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया, टूट गया हवा की वजह से, तेज हवा की वजह से। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं क्या है ये। ये टेम्पल देख सकते हो आप, ये वाला टेम्पल है महाकालेश्वर टेम्पल। ये हिंदू टेम्पल है और भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है, समर्पित है, यानी कि भगवान शिव का बना हुआ है। और ये टेम्पल रुद्र सागर लेक के साइड में सिचुएटेड है, बना हुआ है। रुद्र सागर लेक यानी कि झील भी है यहाँ पे हमारे इंडिया में। ये देखो भगवान शिव के ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगम टेम्पल हैं, जिनमें से एक ये भी है महाकालेश्वर टेम्पल, जो उज्जैन में सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। जो महाकालेश्वर आइडल है यानी कि जो मूर्ति है, इसका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ है, साउथ की तरफ है। बाकी और ज्योतिर्लिंग का और दिशाओं में है, इस महाकालेश्वर का दक्षिण की तरफ है। इसका जो आर्किटेक्चर बना हुआ है वो चालुक्य डायनेस्टी, मराठा टाइम का और भूमिजा स्टाइल में बना हुआ है। इसका जो आर्किटेक्चर बना हुआ है इन तीन स्टाइल में बना हुआ है, इनसे ही इन्फ्लुएंस होके बनाया गया था ये। इसका जो फाउंडेशन है और प्लेटफॉर्म है वो पत्थरों से बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है। पिलर हैं, प्लास्टर हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और वेल डिजाइंड है। यहाँ पे भगवान शिव के साथ साथ ये भगवान गणेश, माता पार्वती और कार्तिकेय, इनकी मूर्ति भी रखी हुई है यहाँ पे, जो यहाँ पे सेंक्टम सेक्टोरम है। सेंक्टम सेक्टोरम होता है जो गर्भगृह होता है, मेन जो मंदिर में जगह होती है जहाँ पे मूर्ति रखी रहती है उसे गर्भगृह या सेंक्टम सेक्टोरम बोलते हैं। वहाँ पे भगवान शिव की तो मूर्ति होगी क्योंकि भगवान शिव का है, और मेनली यहाँ पे देखो शिवलिंग की तरह पूजा होती है भगवान शिव की, क्योंकि ज्योतिर्लिंग जो मंदिर हैं 12 मेन मंदिर, उनमें भगवान शिव की एज ए शिवलिंग की तरह पूजा होती है, वर्शिपिंग होती है। तो भगवान शिव की मूर्ति के अलावा और शिवलिंग के अलावा यहाँ पे गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की भी इमेजेस हैं। ये जो टेम्पल का टैंक बना हुआ है, एक जैसे टेम्पल है, मंदिर है, मंदिर के सामने कोर्ट यार्ड है, मैदान है, वहाँ पे एक टैंक है। उस टैंक का जो स्टाइल है वो सर्वतोभद्र स्टाइल में बना हुआ है, सर्वतोभद्र स्टाइल है उस टैंक का। टैंक मतलब पानी वाला टैंक। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। देखो रिसेंटली आप सबको पता है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे हैं। पिछली बार ये कर्नाटक में हुए थे, इस बार ये उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, वाराणसी में हो रहे हैं। और शूटिंग के जो गेम हैं इनके अंदर वो दिल्ली में कराए जा रहे हैं, बाकी सब उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो विनर है, जो भी मान लो इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जीत के आता है, उसे ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के तहत एक गिफ्ट दिया जाता है एक डिस्ट्रिक्ट से, और वो गिफ्ट को ये खिलाड़ी रिप्रेजेंट करता है। आपको ये तब समझ में आ जाएगा, तब पहले हम समझेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव है क्या। ये देखो एक स्कीम है, इनिशिएटिव है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने 2018 में लॉन्च की थी। इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि टारगेट क्या था, लक्ष्य क्या था इस स्कीम का? लक्ष्य ये था कि जो एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को कम से कम, एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए, ताकि वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट में इकोनॉमिक सोशियो कल्चरल ग्रोथ हो सके, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके, यानी कि रोजगार जनरेट हो सके लोगों के लिए रूरल एरियाज में खास तौर से। तो ये इनिशिएटिव ये टारगेट रखता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम जो डिस्ट्रिक्ट जिस प्रोडक्ट के लिए फेमस है उस प्रोडक्ट को चूज किया जाए, कम से कम एक प्रोडक्ट हो, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम एक प्रोडक्ट हो उसको सिलेक्ट करो और ब्रांड की तरह प्रमोट करो, और फिर उसको इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करो, ताकि वहाँ के लोगों के लिए रोजगार मिले और वहाँ के लोगों की प्रोग्रेस हो। इसलिए ये स्कीम चलाई गई थी, इनिशिएटिव चलाया गया था। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, और एक डिस्ट्रिक्ट को कम से कम एक प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट हब बनाना है, यानी कि हमारे इंडिया से बाहर निर्यात हो उसका सामान उस डिस्ट्रिक्ट का। इस इनिशिएटिव में ध्यान दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, लोकल बिजनेसिंग को सपोर्ट किया जाता है,
और फॉरेन कस्टमर को फाइंड किया जाता है कि उस प्रोडक्ट के लिए, जैसे मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में कोई एक प्रोडक्ट बनाया है तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए बाहर देश से कोई कस्टमर भी तो चाहिए ना जो खरीद सके, तो ये भी फाइंडिंग की जाती है। यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है उसको ही सपोर्ट करता है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। इसमें अभी तक देखो 1102 प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड कर लिए गए हैं 761 डिस्ट्रिक्ट हैं जो हमारे इंडिया की, 761 डिस्ट्रिक्ट में 1102 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। ये इनिशिएटिव जो है कैरी किया जाता है ये डिस्ट्रिक्ट और एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव की तरह डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये इसको कैरी करता है और ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता है ये डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब की तरह प्रमोट करता है। प्रोसेस क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है कौन चूज करता है, देखो जो प्रोडक्ट होता है इस इनिशिएटिव के अंदर वो स्टेट या यूटी सिलेक्ट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है वो सिलेक्ट करती है और फिर वो आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हब की तरह एस्टेब्लिश या आइडेंटिफाई किया जाए। और मेनली ध्यान दिया जाता है कोई GI टैग्ड प्रोडक्ट है उसको भी लिया जाता है, किसी को मान लो GI टैग मिल चुका है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग तो उसको भी चूज किया जाता है। और GI टैग क्या होता है इसे कई बार हम समझ चुके हैं, नहीं पता है तो आप इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में GI टैग के ऊपर स्पेशल लेक्चर बना हुआ है देख सकते हो। और फिर प्रोडक्ट को जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है जो केंद्र शासित प्रदेश की गवर्नमेंट वो सिलेक्ट कर लेती है तो फिर उस प्रोडक्ट की जानकारी भेजती है DPIIT के पास, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता है ये डिपार्टमेंट भी, इस डिपार्टमेंट के पास फाइनलाइजेशन भेजती है उस प्रोडक्ट का, फिर वो सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये सारी एक्टिविटी हैं जो जैसे एग्जीबिशन करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना यानी कि लोगों को स्किल भी प्रोवाइड करना कि वो प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा और मैन्युफैक्चर कर सकें, तो ये सब स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाता है इस स्कीम के अंदर। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है नाटो प्लस, ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और GS पेपर 2 के लिए मेंस में। US कांग्रेसनल कमेटी है, देखो अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोलते हैं और पार्लियामेंट की कमेटी बनेगी तो उसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं और US में बोल देते हैं उसे कांग्रेसनल कमेटी क्योंकि कांग्रेस बोलते हैं वहाँ की पार्लियामेंट को। तो अमेरिका की पार्लियामेंट की एक कमेटी है, कमेटी को हिंदी में बोलेंगे समिति। तो ये US कांग्रेसनल जो कमेटी है इसने रिकमेंडेशन दिया है कि नाटो प्लस को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, इस नाटो प्लस जो ग्रुप है इसमें इंडिया को भी इंक्लूड किया जाए, इंडिया को भी इंक्लूड किया जाए। तो कौन कौन है पहले तो हम ये जानते हैं नाटो प्लस में। नाटो का मतलब तो आप जानते हो क्या है, नाटो के बारे में थोड़ा डिटेल में लास्ट में पढ़ेंगे, पहले नाटो प्लस के बारे में जान लेते हैं। नाटो प्लस का मतलब है, नाटो का मतलब तो हो गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1949 में बनी थी। अब नाटो में जितने मेंबर हैं अभी 31 मेंबर हैं, तो नाटो के जो मेंबर हैं मेनली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आते हैं। देखो नॉर्थ अमेरिका है ये वाला नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और यूरोप, यहाँ के मेंबर आते हैं। लेकिन इसमें नाटो में और मेंबर इंक्लूड करने के लिए इसका नाम रख दिया नाटो प्लस। तो नाटो प्लस में 5 कंट्री और इंक्लूड कर दिए, जो नाटो के मेंबर थे वो तो हैं ही, बाकी के 5 कौन से मेंबर हैं, बाकी के 5 मेंबर हैं, एक तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, एक ये जापान और साउथ कोरिया, ये हो गए, और यहाँ पे एक इज़राइल। तो ये 5 कंट्री और इंक्लूड कर दिए गए और नाम दे दिया नाटो प्लस। तो ये 5 कंट्री हैं नाटो प्लस में, प्लस उस नाटो के मेंबर जितने हैं। ये काम क्या करते हैं ग्लोबली, ये देखो डिफेंस कोऑपरेशन के लिए काम करते हैं, रक्षा क्षेत्र में सहयोग आए एक दूसरी कंट्री के साथ। नाटो प्लस का अगर मान लो इंडिया मेंबर बन जाता है तो इंडिया का क्या फ़ायदा होगा, क्या एडवांटेज होंगे, इंडिया को देखो इंटेलिजेंस शेयरिंग एक आसानी से मिल जाएगी इन कंट्रीज के मदद की वजह से अगर इंडिया इसका मेंबर बन जाता है। मतलब खुफिया कोई जानकारी चाहिए होती है, मान लो इंडिया पे कोई अटैक करना चाहता है, टेररिस्ट अटैक करना चाहता है या कोई हमला करना चाहता है, तो ये सब इंटेलिजेंस शेयरिंग में आता है, सब कुछ तो इंटेलिजेंस में आता है, तो ये एक दूसरी कंट्री के साथ मिलके इसकी जानकारी मिल सकेगी।
इंडिया को देखो, मान लो कोई लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाहिए, अभी बहुत देरी कर देते हैं, डिले कर देते हैं। जैसे यूएस से कुछ चाहिए होता है या इसराइल से चाहिए होता है इंडिया को कोई मिलिट्री इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी, तो ये एक्सेस करने में अभी काफ़ी डिले हो जाता है। तो ये जो टाइम लगे वो कम हो सकेगा और आसानी से इंडिया को लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सेस हो सकेगी अगर इस नाटो प्लस का इंडिया मेंबर बनता है तो। लेकिन इंडिया ने अभी हाँ नहीं किया, इंडिया को इंक्लूड करने की बात कर रहा है ये नाटो प्लस। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि इंडिया देखो यूनाइटेड स्टेट्स का एक तरह से डिफेंस पार्टनरशिप ऑलरेडी है, लेकिन इसकी पार्टनरशिप और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो ये फ़ायदे होंगे इंडिया के। अब जान लेते हैं थोड़ा नाटो के बारे में। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके 31 मेंबर हैं। लास्ट मेंबर इसका फिनलैंड, लास्ट ईयर जुड़ा है फिनलैंड, 31 मेंबर हो गए। तो इसके नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज मेंबर हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री इसके मेंबर हैं, जो इसमें लोकतंत्र है। नॉर्थ एटलांटिक जो ट्रीटी है, ये ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को 4 अप्रैल 1949 में बनी थी। सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ था उसके बाद देखो पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉक में बट गया था। एक तो यूएस के तरफ चले गए थे एक ग्रुप, अमेरिका की तरफ, और एक यूएसएसआर। रसिया को पहले यूएसएसआर बोलते थे क्योंकि इसमें रसिया और कई कंट्री आसपास की कंट्री थी इंक्लूड, जिसे यूएसएसआर बोलते थे या सोवियत यूनियन। तो कुछ कंट्री ने सपोर्ट किया यूएसएसआर का, कुछ ने किया यूएस का। तो ये कोल्ड वार स्टार्ट हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो शीत युद्ध शुरू हो गया, कोल्ड वार। कोल्ड वार कोई तलवारों से या बंदूक से लड़ने वाली लड़ाई नहीं थी, ये एक विचारधारा की लड़ाई थी। कोल्ड वार विचारधारा यानी कि आइडियोलॉजी की। यूएसएसआर अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट कर रहा था कम्युनिज्म की, और इधर यूएस अमेरिका अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा था कैपिटलिज्म की। लेकिन इंडिया ने दोनों ग्रुप में से किसी को भी ज्वाइन नहीं किया, इंडिया अलग रहा इनसे और एक अलग ग्रुप बना लिया नेम नाम का, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इंडिया ने वैसे भी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी या फिर अपनी जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्रोसीजर है या इकोनॉमी अपनी, वो मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी, ना तो कैपिटलिज्म ना कम्युनिज्म। हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाया था। हमारे प्रियम्बल में भी यही लिखा हुआ है, आपको पता है। तो ये इंडिया इन दोनों ग्रुप से अलग रहा था। तो यूएसएसआर ने अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम रख दिया नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में। तो ये काम क्या करती थी और अभी भी है, ये क्या काम करती है? पीस के लिए काम करती है, शांति स्थापित करने के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो, पॉलिटिकल डिपेंडेंस, सिक्योरिटी ऑफ द मेंबर स्टेट। जितने भी इसके मेंबर हैं नाटो के, आपस में वो सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, पीस के लिए काम करते हैं, शांति के लिए। इस ट्रीटी का जो आर्टिकल 5 है, ये बोलता है कि अगर मान लो नाटो के किसी मेंबर पे, किसी एक मेंबर पे अगर किसी दूसरी कंट्री ने, जो नॉन नाटो मेंबर है यानी कि जो नाटो का कोई देश मेंबर नहीं है, और उसने नाटो के किसी सदस्य देश पे हमला कर दिया, तो वो सारे नाटो के मेंबर पे हमला माना जाएगा और सारी ये नाटो की कंट्री मिलके उस कंट्री को फिर धोएंगी, मिलके मतलब मारेंगे उस कंट्री को, अटैक करेंगे उस कंट्री को। तो इसके आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है, इस ट्रीटी के, इस नाटो के आर्टिकल 5 में। इसी के विरोध में देखो रशिया ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, वारसो पैक्ट, WARSAW, वारसो पैक्ट। ये 1955 में बनाई थी, लेकिन रशिया ने इसको डिसॉल्व कर दिया, लेकिन नाटो अभी तक है। और नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम कंट्री है यूरोप में, बेल्जियम की कैपिटल है, राजधानी ब्रुसेल, वहाँ पे इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है नाटो का। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्ट टू क्रैश, शिफ्ट टू कैश ट्रांसफर, क्रैश नहीं कैश ट्रांसफर। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एसए के पेपर में आप यूज कर सकते हो इस एग्जाम्पल को, या एथिक्स के टॉपिक में यूज कर सकते हो। उड़ीसा गवर्नमेंट ने देखो अभी ये स्टेप लिया है, अभी तक वहाँ पे कि ना ये बैंक ट्रांसफ़र किया जाता था, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, जो लोगों को, बुज़ुर्ग लोगों को पेंशन दी जाती है वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में भेजी जा रही थी। उड़ीसा की ये स्कीम है मधु बाबू पेंशन योजना, इसके तहत एक पोर्टल बनाया हुआ है। तो ये डायरेक्टली उनके बैंक में भेजी जा रही थी और वो बैंक में जाके निकलवा सकते थे अपनी पेंशन को इस पोर्टल के जरिए, मधु बाबू पेंशन
पेंशन योजना पोर्टल के जरिए, ये सब लो इंटरनेट पे एक साइट है, वहाँ पे जाते थे वो अपना अंगूठा वगैरह लगाते थे, फिंगरप्रिंट वगैरह या अपना आईडी कार्ड दिखाते थे तो ले आते थे पेंशन। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उन्हें एक्सेस करने में, टेक्निकल इशू भी आ जाते हैं कभी कभी, मान लो बुज़ुर्ग लोगों की जो रेखाएँ हैं मतलब फिंगरप्रिंट है वो मिट जाते हैं, एक्सेस नहीं कर पाते हैं कभी कभी, तो ये बहुत सारे टेक्निकल इशू आ रहे थे और बहुत सारे लोगों को परेशानी झेलने पड़ रही थी उड़ीसा में। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा इस सिस्टम को हटाओ, हम दोबारा से कैश ट्रांसफ़र करेंगे कि हम कैश में देंगे पेंशन। तो डायरेक्टली बैंक में अब नहीं भेजा जा रहा, कैश में दे रहे हैं वहाँ पर, जैसे पहले गाँवों में जाते थे अधिकारी वहाँ पर पेंशन लेके सरपंच के पास बैठ के सरपंच बांटते थे पेंशन, तो वही क्या है सिस्टम दोबारा से कैश ट्रांसफ़र का उड़ीसा गवर्नमेंट ने चालू कर दिया। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है जो यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है इसको, क्योंकि देखो जो बैंक जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र स्कीम चलाई गई थी कि डायरेक्टली लोगों के जो भलाई का पैसा है पेंशन का हो या किसी और स्कीम का, वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में भेजा जाए ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, और इससे क्या है करप्शन भी थोड़ा कम हुआ था। तो बीच में जो बिचौलिए होते थे मान लो सरपंच वगैरह या कोई और बीच में होता था अधिकारी, वो अपना कमीशन मार लेता था लोगों से, कहता था मैं यहाँ तक पेंशन लेके आ रहा हूँ, वो मान लो 20, 25 या 30, 50 रुपये भी एक आदमी से लेगा तो उसके हजारों कभी कभी लाखों रुपए भी कमा लेता है वो इस कमीशन से ही। तो ये जो करप्शन था इसको कम करने में काफ़ी मदद मिली थी इस डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र स्कीम से। लेकिन हो सकता है अब ये जब कैश ट्रांसफ़र, जब मतलब बैंक जो ट्रांसफ़र होता था वापस ले लिया, कैश दिया जाएगा उन्हें, कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो इससे करप्शन और बढ़ सकता है, तो इस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आलोचना की जा रही है इस स्टेप को जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने लिया है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्यों लिया है वो हम जान चुके हैं, क्योंकि लोगों को परेशानियाँ हो रही थी। नेक्स्ट टॉपिक है स्नोबॉल इफेक्ट, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, इसके प्रेसिडेंट ने कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो स्नोबॉल इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसे अभी विटनेस करेगी, मतलब स्नोबॉल इफेक्ट होगा इकोनॉमी का। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा तेज़ी से इकोनॉमी बढ़ने वाली है आने वाले साल में इंडिया की। क्या होता है स्नोबॉल इफेक्ट, देखो स्नो की कोई बॉल है, स्नो का मतलब बर्फ, बर्फ़ की कोई बॉल है, अगर वो बर्फ़ की बॉल है, यहाँ पे मान लो ग्लेशियर है, बर्फ़ जमी हुई है, ये बर्फ़ की बॉल ये घूमना शुरू करे, रोल करना, तो क्या होगा, ये बर्फ़ की बॉल और जो यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है उसको भी चिपका लेगी अपने अंदर, जैसे ये रोल करती जाएगी बर्फ़ को और चिपकाएगी चिपकाएगी, ये और बड़ी होती चली जाएगी, बर्फ़ को जैसे चिपकाएगी घूमती रहेगी तो और बड़ी होती चली जाएगी, क्योंकि आसपास की बर्फ़ को भी ये एब्जॉर्व कर लेगी, चिपका लेगी अपने अंदर, तो ये बड़ी बॉल हो जाएगी। इसी तरह से क्या है कि इंडियन इकोनॉमी भी स्नोबॉल इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी तो और ज़्यादा जॉब जनरेट होंगी, और ज़्यादा जॉब जनरेट होंगी तो इंडिया की इकोनॉमी आने वाले सालों में और ज़्यादा ग्रोथ विटनेस करेगी, और ज़्यादा ग्रोथ हासिल करेगी। तो यही था स्नोबॉल इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है एम सैंड, मैनुफैक्चरिंग सैंड या मैनुफैक्चर्ड सैंड। सैंड का मतलब होता है रेता या रेती, ये वही रेता रहती है जो बिल्डिंग या घर बनाने में यूज होती है ना, कंस्ट्रक्शन करने में, वही रेता या रेती है जो नदियों से निकाली जाती है, रिवर से निकाली जाती है ये सैंड। लेकिन जो एम सैंड है मैनुफैक्चर सैंड, ये रिवर से नहीं निकाली जाती, ये कहाँ से निकाली जाती है फिर, ये कहीं से नहीं निकाली जाती, ये बनाई जाती है, जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े पत्थर या रॉक्स उनको पीस के ये बनाई जाती है एम सैंड, मैनुफैक्चर सैंड। राजस्थान गवर्नमेंट ने देखो अनाउंस किया है कि वो रिवर सैंड की जगह एम सैंड का यूज करेगा, क्योंकि एम सैंड कॉस्ट इफेक्टिव है और कन्वीनियंट भी है, आसान भी है, क्योंकि एम सैंड है इससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि रिवर सैंड को जब रिवर से नदियों से निकालते हैं तो रिवर में जो जीव जंतु रहते हैं हैबिटेट से या इकोसिस्टम है उसका नुकसान होता नदियों में, तो इस वजह से राजस्थान गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में एम सैंड का यूज करेंगे। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है मेंस में। एम सैंड देखो राजस्थान की पॉलिसी है 2021 की, एम सैंड राजस्थान पॉलिसी, इसके अंदर ये मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है, अनिवार्य है कि गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कोई प्रोजेक्ट है उसमें
25% कम से कम एम सेंड यूज की जाएगी। आप भले ही 75% यूज कर लो रिवर सेंड, लेकिन कम से कम 25% यूज होगी एम सेंड अगर कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनाई जा रही है तो। एम सेंड है जो, ये इंडस्ट्रियल स्टेटस दे दिया गया है इसको राजस्थान ने, राजस्थान इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम 2019 के अंदर। और इसके लिए देखो, अगर कोई मैन्युफैक्चर करती है कोई कंपनी एम सेंड, उसके लिए सब्सिडी भी दी जाती है, टैक्स में भी छूट दी जाती है उसको। एम सेंड होता क्या हम ऑलरेडी जान चुके हैं, एम सेंड या मैन्युफैक्चर सेंड। नेचुरल जो रिवर सेंड होता है उसका एक अल्टरनेटिव है, विकल्प है, क्योंकि रिवर सेंड क्या है, नेचुरली बनता है, पत्थरों से निकल के आती है, पहाड़ों से नदी निकल के आती है, नदी अपने बहाव में पहाड़ों को, जो पहाड़ों पे मिट्टी जमी होती है या फिर पहाड़ों से ही ना, ये अपनी फोर्स से उसे निकालती है सेंड को और बहा के ले आती है और रिवर में जम जाती है ये, और फिर रिवर से वो निकाल ली जाती है और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर ली जाती है। लेकिन जो ये रिवर है ना, पहाड़ों पे तो मिट्टी भी होती है, सिल्ट, सिल्ट बोल सकते हो इंग्लिश में, SILT, सिल्ट, या गाद बोल सकते हो हिंदी में, गाद या मिट्टी या कीचड़, उसको भी साथ साथ लेके आती है। और इसमें देखो रिवर में और ज़्यादा, आपको पता है आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसमें सिल्ट भी रहती है सेंड के साथ साथ। तो प्रॉब्लम यही होती है कि रिवर सेंड नेचुरली तो है, नेचुरल बनती है प्राकृतिक रूप से, लेकिन इसमें सिल्टेशन का जो मात्रा है ज़्यादा होती है, 3 से लेके 20% तक सिल्टेशन होती है, सिल्ट होती है इसमें, गाद होती है, जो कंस्ट्रक्शन के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये पानी की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए इसे। लेकिन वहीं पे अगर एम सेंड है मैन्युफैक्चरिंग सेंड, उसमें देखो सिल्टेशन बिल्कुल 0% होती है, बिल्कुल 0%, कोई कीचड़, गाद, रेत, मिट्टी नहीं होता, 100% प्योर एम सेंड होती है वो, 0% इसमें सिल्ट होता है। और इसके लिए पानी की मात्रा भी कम चाहिए, जितना रिवर सेंड को चाहिए उससे कम चाहिए। तो ये बनाई कैसे जाती है, रॉक्स को या स्टोन को क्रश करके पीस के बनाई जाती है। एडवांटेज क्या होगा इसका, एडवांटेज हम ऑलरेडी वैसे जान चुके हैं, एक तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा और आसानी से अवेलेबल होगा, क्योंकि ये फैक्ट्री वगैरह कोई बनाएगी, और नेचुरल जो सेंड होती है बिल्कुल प्रॉपर्टी विशेषताएं सिमिलर होती हैं उसकी तरह, लेकिन उससे ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि पानी की मात्रा कम चाहिए और सिल्टेशन भी कम होती है इसमें, मतलब 0% होती है। और जो माइनिंग नेचुरल सेंड पे हम डिपेंड होते हैं, उसकी डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी, क्योंकि हमें नेचुरल सेंड नहीं निकालनी पड़ेगी। और ये तो हम जान चुके हैं, लेस वाटर चाहिए कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है मेनली। किसने चलाया है, क्यों चलाया है, बस दो बातें याद रखनी है। ये WMO ने चलाया है, WMO क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली वेदर फोरकास्टिंग का काम करती है, मौसम की भविष्यवाणी करने का। कब बनाई गई थी, इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने 1947 में रिजोल्यूशन लेके आई थी, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, फिर 1950 में ये बना दी गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है WMO का। इसकी हाईएस्ट सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस, मतलब WMO के अंदर ही एक बॉडी बना दी गई इसके मेंबर की। इंडिया भी इसका मेंबर है WMO का, तो इसी के मेंबर से एक बॉडी बना दी कि ये डिसीजन लेगी सारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। इसी ने ये लॉन्च किया है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। क्या है ये, क्या काम करेगा, जैसे इसके नाम में ग्रीन हाउस गैस, तो ये ग्रीन हाउस गैस की मॉनिटरिंग करेगा, मतलब देखेगा कहाँ पे ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। ग्रीन हाउस गैस तो आप जानते हो, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है सब, ये ग्रीन हाउस गैस हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इनके पास कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, अगर ये वातावरण में रहेंगे, एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या है, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वातावरण का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको बोल देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो यही है ग्रीन हाउस गैस। तो ये ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच किसने चलाया है, आपको पता होना चाहिए, WMO ने। क्या काम करेगा ये, मॉनिटरिंग करेगा ग्रीन हाउस गैस का लेवल क्या है, और मॉनिटरिंग करके ये इन्फॉर्मेशन देगा UNFCCC की पार्टीज़ को, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1992 में बनी थी,
ये ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है, इंडिया भी इसका मेंबर है। तो इसको ये इन्फॉर्मेशन देगा, इस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच से मॉनिटरिंग करके WMO इन्फॉर्मेशन देगा UNFCCC को। और भी कोई स्टेक होल्डर ग्रीन हाउस गैस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो उसको भी ये इन्फॉर्मेशन देगा। यही टॉपिक थे आज के। वैसे अब कुछ वन लाइनर टॉपिक है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये न्यूज में था, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? देखो ये हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की। लोकेशन बस आपको याद रखनी है। एक ये देखो साइट्री, या इसकी प्रोनंसिएशन काइट्री भी हो सकती है, CHYTRIDIOMYCOSIS, साइट्री या काइट्री, साइट्री डायोमाइकोसिस। ये क्या है? ये एक डिसीज़ है, बीमारी है। किससे होती है? ये फंगस से होती है, ये फंगस से। फंगस का नाम क्या है? फंगस का नाम भी ये साइट्रिड है, साइट्रिड, CHYTRID, साइट्रिड फंगस से होती है, ये इन्फेक्शस डिसीज़ है। और ये किसको अफेक्ट करती है, किसको प्रभावित करती है बीमारी? ये एम्फीवियन को करती है। एम्फीवियन क्या होते हैं? एम्फीवियन उन प्राणी को बोलते हैं, उन जीव को बोलते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, जैसे मेंढक, मेंढक होता है, फ्रॉग जानते होंगे आप। और ये सबसे ज़्यादा एम्फीवियन में भी किसको प्रभावित करती है? फ्रॉग को ही, मेंढक को ज़्यादा प्रभावित करती है बीमारी। तो बस ये जानना आपको क्या है ये। एक अमनगढ़ टाइगर रिजर्व न्यूज में था, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये यूपी की बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी की बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो यही टॉपिक थे आज के। और देखो जैसा आपको पता ही होगा, आपने अब तक देख लिया होगा प्रीलिम का पेपर, वैसे तो अनएक्सपेक्टेड होता ही है हर बार UPSC के प्रीलिम का पेपर, इस साल कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था। और हमने जितने टॉपिक डिस्कस किए थे मैंने उसमें देखे हैं, काफ़ी टॉपिक हैं लेकिन इतना नहीं है जितना लास्ट टाइम थे। लास्ट टाइम तो 60 से प्लस टॉपिक थे, इस बार सिर्फ 37 टॉपिक मुझे मिले जो हमने डिस्कस किए थे। सारे टॉपिक जो करंट अफेयर में रहे थे, न्यूज में रहे थे, जो वो 37 टॉपिक थे। ऐसे जैसे देखो जो वूल बेचिया मेथड है, वाल बेचिया या वूल बेचिया मेथड, ये कितनी बार डिस्कस किया था ये आपने पढ़ा होगा और याद भी होगा, हमने कई बार डिस्कस किया था। ये था मच्छर जो है, मच्छर को स्टेरिलाइज करना था, जिससे क्या मच्छर की पॉपुलेशन घट जाए और उससे क्या है कि डेंगू की जो बीमारी होती है ना मच्छर के काटने से, वो कम हो सके। तो ये मेथड काफ़ी न्यूज में था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो डिस्कस किए थे हमने, बहुत सारे प्लेस हैं जो न्यूज में थे वो पूछे थे, वो भी डिस्कस किए थे। और कुछ प्लेस ऐसे हैं जो कई बार लास्ट ईयर में भी पूछ चुका है, वो आए थे लेकिन अनएक्सपेक्टेड था। लास्ट ईयर से देखो बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम जाएगी, वैसे ऑलरेडी मैं कट ऑफ का जो लेक्चर है दे चुका हूँ आपको, देख लिया होगा आपने, लेकिन उससे भी कम जा सकती है, लेकिन ज़्यादा जाने के कोई चांसेस नहीं है। और देखो जब पिछली बार प्रीलिम्स हुआ था तो कट ऑफ के ऊपर लेक्चर बनाया था, जनरल की कट ऑफ मैंने जितनी बोली थी लगभग 85 से लेके 89 के बीच में, तो उसी के बीच में गई है, 88 पॉइंट कुछ समथिंग, 88.22। देखो पॉइंट में तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता एग्जैक्टली, क्योंकि कोई सुपर कंप्यूटर तो है नहीं भाई साहब, और जनरली इसी से एक आधा नंबर, बस एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। इस बार की कट ऑफ 81 से 85 के लगभग ही जाएगी या इससे कम जा सकती है, लेकिन ज़्यादा जाने के कोई चांसेस है नहीं, इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि पेपर काफ़ी टफ है लास्ट ईयर से, क्योंकि इसमें ऑप्शन कुछ इस तरह के दे दिए कि वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड जो लगाते थे बच्चे वो लग ही नहीं रहा था। दूसरा देखो, दूसरा कारण कम जाने का एक ये भी है कि इस बार पिछले साल से जो वैकेंसी हैं ज़्यादा हैं, तो ये भी एक कम जाने का एक रीज़न है कि कम ही जाएगी। तो यही था सब कुछ आज के लेक्चर में।